हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की 1500 पदों की भर्ती को रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में। तो उत्तराखंड में अब यहाँ पर पदों में पद वृद्धि भी होने वाली है। चलिए जानते हैं कुल कितने पदों पर भर्ती आएगी, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है। उत्तराखंड में लगभग अब यहाँ पर 1800 पदों की भर्ती जल्द ही जो है पुलिस भर्ती आने वाली है। इसके लिए सीएम धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। लगभग लगभग 1500 करीब में बताए गए थे, अब यहाँ पर 300 पद और बढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन पदों में पद वृद्धि हो सकती है, यहाँ पर 1800 पद खाली बताए गए हैं जिन पर भर्ती शुरू इसी साल आपको देखने को मिल भी सकती है। क्योंकि यहाँ पर सीएम ने कहा कि प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल बढ़ाया जाएगा, तो बढ़ाने की बात करेगी है। 1500 पद ऑलरेडी खाली हैं, अब इनकी पदों की संख्या बताया गया कि 1800 पुलिस कर्मी की भर्ती यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। 1400 करीब ने भी करी है हाल ही में, जिनमें से 1300 लोगों ने अपनी नियुक्तियाँ ली हैं, कई लोगों ने छोड़ा है। और उनकी ट्रेनिंग लगभग लगभग आपकी जून से शुरू हो गई थी, तो लगभग लगभग आपके 5 महीने हो चुके हैं। और अब यहाँ पर एक और नई भर्ती आपको पुलिस भर्ती देखने को मिलेगा। इसके अलावा पुलिस जो कर्मी की मौत पर जो है उसके परिजनों को तत्काल 1 लाख रुपए की मदद और 2 करोड़ रुपए का फंड की व्यवस्था की जा रही है, तो ये पुलिस विभाग में करने वाले हैं। साथ में मुख्यमंत्री धामी ने जो है शनिवार को पुलिस लाइन में आयोजित शहीद स्मृति दिवस परेड पर जो है दौरान यह जो है घोषणा की, तो घोषणाएं कर रखी है, नई घोषणाएं जिनमें पुलिस की बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपके पुलिस भर्ती निकलने वाली है। इसके लिए प्रस्ताव पूरी पूरी तैयार कर लिया है। हालांकि आप जो है डीजी ने भी ऑलरेडी बयान जारी कर दिए थे, अभी हाल ही में 1500 पद खाली हैं, उन पर जो है भर्ती करने की बात करी है सीएम ने। अब यहाँ पदों की बड़ी संख्या बढ़ा दी है और इसमें यहाँ जो 1800 पदों की भर्ती करने की बात करी गई है, जो कि आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट हो सकती है। और भर्ती के लिए तैयारी में लगे हैं, क्योंकि ये पुलिस भर्ती अब आपको इस साल लास्ट तक, क्योंकि अगले साल आपके चुनाव की प्रक्रिया भी है, तो इस साल लास्ट में देखने को मिल सकती है, नहीं तो आपकी स्टार्टिंग में जो अगले साल है वो देखने को मिल जाएगी।